धरती कितना देती है। एक कवि थे सुमित्रा नंदन पंत। वे बचपन में बड़े नटखट थे, दिमाग तो प्रश्नों का कारखाना था। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठते रहते। उन्हें बाग बगीचों से बहुत प्यार था। कभी पत्तों से खेलते, कभी डालियों से झूलते। गर्मी के दिनों में तो आम के बगीचे में ही पड़े रहते। एक दिन वे आम के बगीचे में बैठे थे। पेड़ों पर तरह तरह के खुशबूदार आम लदे थे। उनके मन में प्रश्न उठा, आम के पेड़ कैसे उगते हैं? उन्होंने इस बारे में माली से पूछा। माली ने कहा, बेटा पहले जमीन खोदी जाती है, फिर उसमें आम का बीज यानी गुठली रखी जाती है। इसके बाद उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, फिर रोज थोड़ा थोड़ा पानी से सींचा जाता है। कुछ दिनों में पौधा बाहर आ जाता है। पौधे की देखरेख की जाए तो वह पेड़ बन जाता है। सुमित्रा नंदन ने पूछा, यदि आम के अलावा दूसरे वृक्ष लगाने हो तो? माली ने हंसते हुए कहा, जो वृक्ष लगाना हो उसका बीज बो दो। सुमित्रा नंदन का माथा ठनका। उनका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता था। उन्होंने सोचा, क्यों ना पैसे के बीज बो दिए जाएं? किसी फल का बीज बोने से वही फल मिलेगा। पैसे से तो सभी फल खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। मिट्टी खोदी, पैसे का सिक्का रखा, फिर उसे मिट्टी से ढक दिया। रोज पानी से उस स्थान को सींचने लगे। अब वे सोते जागते धनी सेठ बनने का सपना देखने लगे। बहुत दिन बीत गए, पौधा नहीं निकला। वे निराश हुए। वे माली के पास गए, उसे सारी कहानी सुनाई। माली हंसा और बोला, बेटा यह धरती सब कुछ देती है, तुम बड़े होगे तो स्वयं सब कुछ जान जाओगे। सुमित्रा नंदन बड़े हुए तो एक महान कवि बने। वे प्रकृति का महत्व समझ गए थे, इसीलिए तो उन्होंने प्रकृति के बारे में अनेक कविताएं लिखी। अपने बचपन की उस नादानी के बारे में भी लिखा, आह धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिप कर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा।